वो बड़े चूजे यहाँ पे मौजूद हैं जी दानियल साहब, इनके बारे में बताएं यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कोई आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहे। जी जनाब, यहाँ पे हम दुनिया की सबसे महंगी तरीन स्पीशी देख रहे हैं गालिब। ये कलर बफलेस कोचिन कहलाता है। ये पूरी दुनिया में से अभी दो लोगों के पास ही गोल्डन लेस कोचिन है और ये काफ़ी रेयर और खूबसूरत वैरायटी है। अभी ये सेंटर में जाकर टोटल उस तरह 45 डिग्री पर चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमे इन्फॉर्मेटिव चैनल जिन्हें जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर, एक बार फिर हम एक फार्म हाउस में मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोफेशनल ब्रीडिंग सेटअप है इनका। ये हम विजिट करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी क्वालिटी के बर्ड मौजूद है, कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है, उनके क्या प्राइस हैं। तो आइए यहाँ के ऑनर से बात करते हैं, साथ साथ ब्रीड भी देखेंगे। तो व्यूवर्स, एक बार फिर हमारे साथ दानियल भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अपने प्रोफेशनल हैन के सेटअप के बारे में बताएं, पिछली दफ़ा हमने डक का देखा था। प्रोफेशनल हैन का मेरा सेटअप आपके सामने है। मैंने इनको कंट्रोल एनवायरनमेंट दिया हुआ है, अंदर एसी लगे हुए हैं और कोशिश मेरी वही यही रही है कि मैं वो वैरायटी पाकिस्तान में मंगवाऊँ जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद नहीं है, रेयर वैरायटीज़ जो इजीली यहाँ पे नज़र भी नहीं आती हैं और इजीली आपको अब्रॉड भी नज़र नहीं आती। ठीक है, तो सारे इंपोर्टेड बर्ड मेरे पास, सारी इंपोर्टेड वैरायटी ब्रीडर मेरे पास जितना भी है सबका सब इंपोर्टेड है, लोकल एक भी वैरायटी नहीं है। सेल करने का प्रोसीजर क्या होता है, आप किस तरीके से सेल करते हैं, चिक सेल करते हैं या पेयर सेल? मैं बेसिकली इनके चिक्स ही सेल करता हूँ। चिक सेल करते हैं जी हाँ। तो वैक्सीनेटेड होते हैं? जी हाँ, वैक्सीनेशन हुई हुई, हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर हेल्दी चूज़ा। ठीक है, तो आइए व्यूवर्स विजिट करते हैं इनका सेटअप और आप तमाम व्यूवर्स को ब्रीड दिखाते हैं, साथ साथ मालूम करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहेंगे। जी दानियल साहब, यहाँ पे जो हम हैन का पेयर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये बेसिकली सिल्कीज कहलाते हैं, ये भी मेरे पास इम्पोर्टेड हैं, बेल्जियम से आए हैं। इसमें मेरे पास डिफरेंट कलर्स हैं, ब्लैक भी है, ब्लू भी है, स्प्लैश भी है, कुकू भी है, सिल्वर भी है। अच्छा, तो ये जो आपने पेयर रखा हुआ है ये डोंट यू थिंक मिल जाता आसानी से पाकिस्तान में अवेलेबल? बेसिकली मिलने को तो मिल जाता है लेकिन क्वालिटी ऐसे नहीं मिलती। ये क्वालिटी की वजह से हमने इंपोर्ट करवाया क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी है ना लोगों ने इसको बेसिकली इनब्रीड करवा करवा के क्वालिटी बहुत ख़राब कर दी है। और सेकेंडली कलर्स भी जो स्पेशली हैं मेरे पास दूसरे, वो पाकिस्तान में है नहीं, तो फिर मुझे मजबूरन ये इम्पोर्ट ही करवाने पड़े। तो क्वालिटी किस नस्बत से देखी जाती है इसकी, कि जनाब ये बर्ड है या ये हैन है तो इसमें ये क्वालिटी? इसके फेस सबसे बड़ी पहचान इसकी फेस से होती है कि जी ये जिस तरह सामने आप देख रहे हैं इसके मुंह पे जो ताज बना हुआ है, देसी मुर्गे का सिंगल कॉम होता है इसका, होता है अखरोट। अखरोट हो, मुँह पर बाल ज़्यादा हों कि इनकी आँखें नजर ना आए। दूसरा सिल्क का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सिल्क फेदर हो, पर नहीं हो दूसरी मुर्गियों की तरह ना, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं, ये पॉइंट्स देखे जाते हैं इनमें। तो ये माशाल्लाह पॉइंटेड बर्ड्स हैं। तो ये भी आपने ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ? ये मैंने ब्रीडिंग के लिए रखे हैं सारे। ब्रीड आई है इनसे? जी हाँ माशाल्लाह बहुत। तो अभी आपको पेयर कितने तक का कॉस्ट कर गया है? ये मुझे कॉस्ट किया है कोई अराउंड 60,000 का पेयर। 60,000 का पेयर है, और इसके चिक्स कितने तक में अवेलेबल होंगे? मैं इसका चिक्स सेल कर रहा हूँ तकरीबन 3,000 ईच के हिसाब से। अच्छा, 3,000 ईच के हिसाब से। जी हाँ जी। ये कलर मैं देख रहा हूँ काफ़ी यूनिक कलर है, इस कलर के बारे में बताएं। सिल्क की ब्रीड है और मैं देख रहा हूँ क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी है। जी जनाब, ये बेसिकली स्प्लैश सिल्क ही है, ये फ़र्स्ट टाइम आया पाकिस्तान में, ये मैंने इंपोर्ट करवाया तकरीबन 2 महीने पहले, और ये मेरे पास तकरीबन कोई 6 से 7 पीस आए हैं, 2 मेल हैं, 5-6 फीमेल्स हैं इसकी। अच्छा, तो इसकी ब्रीडिंग कैसी रही? सिल्कीज़ बेसिकली ब्रीड के हवाले से दुनिया में काफ़ी बदनाम है ये, क्योंकि अंडे इनकी मादियाँ काफ़ी कम देती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रिजल्ट इनका बहुत अच्छा रहा है, फर्टिलिटी बहुत अच्छी रही है, हैचिंग बहुत अच्छी रही है, तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है सिल्कीज़ में। अच्छा, तो ये जो कलर है ये थोड़ा एक्सपेंसिव कलर है या वही रेट है इसके? नहीं, बेसिकली एक्सपेंसिव है क्योंकि कलर अभी पाकिस्तान में है नहीं और यूरोप में भी बहुत वो रेयर कलर है। तो क्या इस पेयर की कॉस्ट? ये मुझे पेयर कॉस्ट किया है तकरीबन को अराउंड 85,000 का। 85,000 ये कॉस्ट कर गया आपको। तो अब इसके बेबीज़ जो आएंगे वो क्या डिमांड होगी इस कलर की? ये मैं इस कलर के बच्चे सेल कर रहा हूँ 5,000 ईच के हिसाब से। 5,000 ईच के हिसाब से कितने महीने भर के बच्चे होंगे? तकरीबन 15 से 20 दिन के। 15 से 20 दिन। जी हाँ जी जनाब, यहाँ पर जो हम ब्रीड देख रहे हैं इसके बारे में बताएँ। ये बेसिकली पोर्सिलिन बेंटम्स कहलाते हैं, ये इम्पोर्टेड है मेरे पास बेल्जियम से, मैंने इम्पोर्ट करवाया, पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम आए हैं ये। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी डिफरेंट और यूनिक इनका टच है और काफ़ी अट्रैक्टिव है ये हैंस। तो ये बताइएगा कि ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखे हैं तो ब्रीड दिए ना अभी तक? जी हाँ माशाल्लाह इनकी ब्रीड मेरे पास बहुत अच्छी आई है, ये मैंने बेल्जियम के टॉप ब्रीडर से लिए हैं, तो माशाल्लाह रिज़ल्ट इनका बहुत अच्छा रहा है मेरे पास। तो एक क्लच में कितने बेबीज़ आ गए आपके पास इसमें?
मेरे पास इसके इन चारों फीमेल्स में तक मेरे पास कोई 70 से 80 बच्चे आए हैं इनके इन टोटल। अच्छे ग्रेड आ गए काफ़ी। जी हाँ माशाल्लाह। तो ये बताइएगा कि अभी जो पेयर हम देख रहे हैं बड़े पेयर, ये कितने तक के कॉस्ट के हैं और बेबीज कितनी कॉस्ट के होते हैं? जो बड़ा जो बर्ड है ब्रीडर, वो पर पीस अराउंड को 25,000 के हिसाब से कॉस्ट करता है इम्पोर्ट करवा के, और बेबीज में इसका एक महीने का बच्चा सेल करता हूँ तकरीबन 5,000 रुपये का। यानी कि ये 50,000 का पेयर है और 5,000 ईच बच्चे की आप डिमांड करते हैं? जी जी जनाब। यहाँ पे हम दुनिया की सबसे महंगी तरीन स्पीशी देख रहे हैं गालिबन, काफ़ी रेयर है, यूनिक टच है और काफ़ी डिफरेंट लुक है, तो इसके बारे में बताएं। बेसिकली इसको मुर्गियों में मुर्गियों की फरारी भी कहा जाता है और कुछ लोग उसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ये बेसिकली मुर्गियों में सबसे महंगी तरीन नस्ल है, ये कहलाती है अयाम सेमानी। इसकी क्वालिटी ये है कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक पूरी की पूरी काली होती है। इसकी हड्डियाँ भी काली, इसका गोश्त भी काला, और कलर और फेस कॉम, ये चीज़ें तो आपको नज़र आ ही रही हैं जी। और इसका दिल? इसका दिल का हाल तो फिर अल्लाह ताला ही जानता है, काला है सफ़ेद है। अच्छा ये बताइएगा कि क्या कॉस्ट करती है अराउंड पेयर? ये पेयर कॉस्ट करता है अराउंड तकरीबन 1,20,000 रुपये का। 1,20,000 रुपये का ये पेयर अराउंड एक कॉस्ट करता है। और इसके अलावा ये बताइएगा कि अभी एज क्या है इनकी जो आपके पास ट्रायो रखा हुआ है? मेरे पास जो ट्रायो है ये भी ब्रीडर है, लेकिन ये 2019 के हैं, तो तकरीबन को ये 10 से 11 महीने के हैं। अच्छा 10 से 11 महीने के, ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने? जी हाँ माशाल्लाह मेरे पास ब्रीडिंग इन्होंने स्टार्ट की। कितनी ब्रीड आ गई आपके पास? माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं, लेकिन ये है इसका बच्चा कभी भी रुकता नहीं है। इसका जब अंडा आता है लोग अंडा ही बुक करके चले आते हैं, बच्चा तो निकालना पर दूर की बात है। तो क्या कॉस्ट आती है इसके बेबी की? इसका हम बच्चा सेल करते हैं तकरीबन 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये ईच बेबी की कॉस्ट है? जी हाँ जी। जनाब यहाँ पे जो हम ब्रीड देख रहे हैं गालिबन मार्केट में देखने को नहीं मिलती है ऐसी ब्रीड, काफ़ी रेयर है और काफ़ी यूनिक है, इसके बारे में बताएँ। ये बेसिकली गोल्ड पार्टिश ब्रामा है, ये इम्पोर्टेड है मेरे पास, ये मैंने बेल्जियम से इंपोर्ट करवाए हैं। और ये ब्रीडिंग के लिए रखे हैं? जी हाँ ये मेरा ब्रीडर फ्लॉक है। तो क्या एजेस? ये तकरीबन को 17-18 महीने के हैं। 17-18 महीने के? तो अभी तक कितनी ब्रीड आ चुकी है इससे? बेसिकली इन्होंने मेरे पास 3 क्लच दिए हैं, तो माशाल्लाह बहुत ब्रीड आई है, बहुत बच्चे निकले मेरे पास के। अच्छा तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं और देख रहा हूँ माशाल्लाह हेल्थ भी अच्छी है, कलर भी अच्छे हैं, तो क्या फीड क्या खिला रहे हैं इनको? फीड मैं इनको मिक्स दाना देता हूँ, साथ में ऑलिव ऑयल है, इसके अलावा प्रोबायोटिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, मिक्स ग्रेन वगैरह। मैं खुद अपने हिसाब से फीड तैयार करता हूँ, कमर्शियल फीड ज़्यादा मैं देता नहीं मैं बर्ड्स को ना, कि टॉक्सिन आता है उसमें, फिर मसले आते हैं। ठीक है, तो अभी ये बताइएगा कि गर्मी के हवाले से भी कुछ करते हैं? बिल्कुल, अभी जिस तरह कराची में टेम्परेचर को 38-40 डिग्री तक पहुँचा हुआ था, लेकिन मैंने आपके सामने ऊपर AC लगाए हुए हैं, तो कंट्रोल टेम्परेचर दिया हुआ है इनको। अच्छा टेम्परेचर कंट्रोल करके इनको दिया जाता है? बिल्कुल। अच्छा ये बताएं ये पेयर तकरीबन कितने तक का होगा? ये पेयर तकरीबन 1,20,000 रुपये का। 1,20,000 रुपये का ये पेयर आपको कॉस्ट किया है? जी हाँ। और इसका जो चिक है वो कितने तक में बिकता है? इसका एक महीने का चिक मैं सेल करता हूँ अराउंड 5,000 का। 5,000 का? 5,000 ईच। अच्छा मैं देख रहा हूँ काफ़ी वजनी लग रही है, तो इसका वेट कहाँ तक गेन हो जाता है? इसका जो मेल है वो तकरीबन कोई माशाल्लाह 7.5 से 8 केजी तक का इसका वेट हो जाता है मेल का। अच्छा। और फीमेल्स 5-5.5 केजी तक। काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया नॉर्मल ब्रीड, अगर नॉर्मल चिकन से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा। तभी इनको पे कंट्रोल एनवायरनमेंट देना पड़ता है कि इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इनको अगर आप 32 से 33 डिग्री आप देंगे तो फिर इसलिए इनको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। यहाँ पे जो ब्रीड देख रहे हैं हम, इसके बारे में बताएं। ये बेसिकली कुकू कोचिन कहलाते हैं, ये मेरे पास इम्पोर्टेड हैं, ये मैंने मंगवाए हैं बेल्जियम से। अच्छा ये जब मुर्गी आती है बाहर से तो उसको क्लाइमेटाइज होने की ज़रूरत नहीं होती या प्रॉब्लम नहीं आती कोई? बेसिकली हम उनको मंगवाते हैं ऐसे सीज़न में कि उन दिनों ठंड होती है, क्योंकि जब ठंड में आती हैं फिर आहिस्ता 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 टेम्परेचर जब बढ़ता है या फिर रिड्यूस होता है तो उस हिसाब से ये इम्यून हो जाती हैं, फिर यूज्ड हो जाती हैं। अगर मैं इमीडिएट इनको सर्दी से गर्मी में मंगवा लूँ फिर ज़रा थोड़ा सा मसला आता है इनके साथ। ठीक है, उसके अलावा भी आपने काफ़ी यहाँ पे एनवायरनमेंट कंट्रोल किया हुआ? जी हाँ बिल्कुल, कोशिश पूरी करी है अपनी तरफ से। तो इस ब्रीड की खासियत क्या है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं? इसकी खासियत ये है कि ये भी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मेरे पास है ये कलर, और भी लोगों ने पहले मंगवाए थे लेकिन वो इससे ब्रीड नहीं ले सके, अल्लाह का शुक्र है मैंने इससे ब्रीड भी ली है, बच्चे भी इसके मैंने काफ़ी लोगों को सेल आउट किए हैं, तो इंशाल्लाह 1-2 साल में आपको ये कुछ लोगों के पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका चिक कितने तक का बिकता है? इसका 1 मंथ का चिक बिकता है 5,000 रुपये का। अच्छा 1 मंथ का जो चिक होता है इसका वो 5,000 रुपये कॉस्ट करता है। और इसके अलावा ये जो पेयर है इसकी क्या कॉस्ट होती है? ये तकरीबन 1,20,000 रुपये का पेयर। 1,20,000 का पेयर जी।
जी यहाँ पे जो हम ब्रीड देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये बेसिकली लाइट ब्रामा है, ये ब्रामा ब्रीड है, ये दुनिया में खूबसूरत तरीन मुर्गियों में इनका शुमार होता है। अच्छा, तो ये दोनों भी फीमेल है मैं देख रहा हूँ। जी हाँ, ये दोनों फीमेल हैं। मेल आप मेरा भी इनका बाहर गार्डन में घूम रहा है, उसको मैं ज़रा बाहर लेके जाता हूँ थोड़ा वॉक के लिए। अच्छा, टेम वगैरह कर रहे हैं उसको भी? बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ वजनी लग रही हैं, तो क्या वेट होगा इनका भी? ये फीमेल तकरीबन माशाल्लाह 5-5.5 kg की है और मेल इनका 9 kg तक का है माशाल्लाह से। जी इसके अलावा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इनका जो आप वेट बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से क्या ये फीड भी लेती हैं? जी हाँ, फीड इनटेक इनका ज़्यादा होता है, नॉर्मल मुर्गी से तकरीबन डबल फीड खाती हैं ये। अच्छा, तो अगर नॉर्मल मुर्गी 1 kg खा लेती है तो ये 2-2.5 kg? जी हाँ, 2-2.5 kg खा लेती हैं ये। ठीक है, तो क्या कॉस्ट होती है पेयर की? ये पेयर कॉस्ट करता है तकरीबन 1,25,000 रुपये का। और जो चिक्स होते हैं इसके? इसका चिक मैं सेल करता हूँ 7,000 का, 1 month ओल्ड। जी यहाँ पे जो हम हैन की ब्रीड देख रहे हैं इसके बारे में बताएं हमारे व्यूवर्स को। ये बेसिकली बफ कोचिन है, ये हमारे पाकिस्तानी इसको अक्सर गोल्डन बफ कहते हैं। ये इंपोर्टेड है, ये मैंने बेल्जियम से इंपोर्ट करवाए हैं। क्वालिटी आपको नज़र आ रही है, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आपको ऐसी क्वालिटी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पे घूम रहे ना सब लोकल बर्ड्स हैं, तो उसको लोगों ने इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं, लोगों ने काफ़ी ख़राब कर दिया है क्रॉस ब्रीड करवा कर वो के। अच्छा, ये बताएँ कि अगर मार्केट से गोल्डन बफ उठाते हैं और ये देखते हैं तो क्या डिफरेंट होगा दोनों में? डिफरेंट ये होगा कि उसके 3 मुर्गे होंगे और उसका 1 मुर्गा होगा, तब जाके इसका साइज़ बराबर होगा। अच्छा, यानी कि इतना हैवी हो जाता है? इतना हैवी है, इतना फ्लफी है, इतना शेप में राउंड है और उतना ही खूबसूरत है और इतना ही हाइट में बड़ा है साइज। अच्छा, तो वेट कितना होगा तकरीबन इसका? वेट होता है तकरीबन को 7-7.5 kg मेल का और फीमेल 4-4.5 kg। अच्छा, तो फीड इनटेक भी इसके हिसाब से ज़्यादा ही होगी? जी हाँ बिल्कुल, फीड इनटेक भी इनका ज़्यादा होता है, वाटर इनटेक भी इनका ज़्यादा होता है। अच्छा, तो ये बताएं कि पर पेयर क्या डिमांड कर रहा है? मैं इसका चूज़ा सेल करता हूँ 1 month ओल्ड 3,000 ईच का। और ये पेयर आपको खुद कितने के कॉस्ट के पड़े? ये मुझे 80,000 का पेयर कॉस्ट किया है। ओके जी, यहाँ पे जो हम ब्रीड देख रहे हैं इसके बारे में बताएं, ये कौन सी ब्रीड कहलाती है? ये बेसिकली पोर्सलिन ब्रामा कहलाते हैं, ये दुनिया में रेयरेस्ट तरीन ब्रीड्स में से एक है। ये अभी पूरे यूरोप, तुर्की और पाकिस्तान को मिला के टोटल से 5 बंदों के पास है ये। अच्छा माशाल्लाह, तो ये बताएं कि इसकी ब्रीड लेने की तैयारी है? नहीं, इसकी मेरे पास ब्रीड आई है माशाल्लाह, मैंने काफ़ी बच्चे लिए हैं इसके, वो भी तैयार हो रहे हैं मेरे पास के, काफ़ी बच्चे ना बैकअप के तौर पर तैयार कर रहा हूँ। तो मैं जब आपने बता दिया इतनी रेयर ब्रीड है, तो क्या कॉस्ट है इस पेयर की? सर ये आप समझ लें अनमोल है एक तरह से। इसकी कॉस्ट मैं बताऊंगा तो लोग हैरान भी होंगे, लेकिन मुझे ये पेयर तकरीबन को 3 lakh rupees का कॉस्ट किया। अच्छा, क्योंकि आपने बताया ना इतनी रेयर ब्रीड है तो डेफिनेटली प्राइस तो ज़्यादा होंगे। बेसिकली प्राइस भी ज़्यादा है, मेरा बंदा बेल्जियम से स्पेशली ट्रैवल करके तुर्की गया था इनको लेने के लिए, तुर्की से वापस बेल्जियम लेकर आया, फिर बेल्जियम से पाकिस्तान आया, तो फ्रेट भी इनको बहुत पड़ा है। नॉर्मल मुर्गियाँ अगर वहाँ पे हमें 100 euro की मिलती हैं तो ये हमको 300 euro का पर पीस कॉस्ट परचेज है हमारी इसकी, तो इनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ा। ठीक है, तो ये बताएं कि इसके जो चिक्स हैं वो कितने तक के कॉस्ट करेंगे? इसका मैं 15 दिन का चूज़ा सेल करता हूँ 10,000 rupees का। 10,000 rupees का चूज़ा सेल करते हैं, 15 दिन का होता है? जी हाँ जी। यहाँ पर जो हम ब्रीड देख रहे हैं इसके बारे में बताएँ। ये बेसिकली ब्लू कोचिन हैवी है, ये मेल जो मैंने आप देख रहे हैं मेरा ब्रीडर मेल है, इसने अभी बेल्जियम में शो विन किया है, यूरोपियन चैम्पियन है ये, तो हमने इसको शो से परचेज़ किया है। अच्छा, तो जब आपने शो से परचेज़ किया और विन किया हुआ है तो फिर कॉस्ट भी इसकी वैसी होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि अब देख रहे हैं ना यूरोप का चैम्पियन है तो पूरे यूरोप में एक ही मुर्गा है ऐसा, अब ऐसी चीज़ आप खरीदें आपको पता है फिर अगला मुँह मांगे पैसे मांगता है। डेफिनेटली, तो क्या कॉस्ट है इस पेयर की? ये पेयर जो मैं कॉस्ट किया तकरीबन को 2,20,000 rupees का पेयर कॉस्ट किया हमको ये। अच्छा, जब आपने ब्रीडिंग ही करानी थी तो फिर ऐसा क्यों मुर्गा उठाया आपने जो चैम्पियन भी हो थोड़ा सा? देखिए इंसान का अपना पर्सनल शौक भी होता है, दूसरा ये जब इंसान मेहनत कर ही रहा है तो फिर बेस्ट चीज़ पे मेहनत करे ना, जिस पे आपको रिजल्ट भी अच्छा मिले। अब अगर मैं कोई एवरेज क्वालिटी का मेल मंगवा लेता तो उस पर भी मेरी इतनी ही मेहनत थी, यही केज देना था, यही फीड थी, यही इन्वायरमेंट था, तो फिर मैंने ये सोचा जब मेहनत मैंने इतनी ही करनी है तो भाई क्यों ना बेस्ट चीज़ पर किया जाए और अपने पाकिस्तान के अंदर बेस्ट चीज़ें लाई जाएँ, क्योंकि हमारे लोगों को आ जाते हैं नेट पर बैठ के देखते रहते हैं तरसते रहते हैं, हमारी कोशिश ये है कि अब लोगों को ऐसी चीज़ें दी जाएँ पाकिस्तान में। डेफिनेटली, काफ़ी अच्छी बात की आपने। इसके अलावा ये बताएं कि ये पेयर क्या कॉस्ट किया आपको? ये मैंने आपको बताया था कि मेरे को 2,20,000 rupees का मुझे पेयर कॉस्ट किया ये। 2,20,000 rupees का। आप इसके चिक्स कितने के होंगे? इसका मैं 1 महीने का बच्चा सेल कर रहा हूँ 8,000 rupees का। 1 महीने का बच्चा 8,000 rupees का सेल करें ईच बेबी? जी हाँ, पर चिक। जी यहाँ पर जो हम ब्रीड देख रहे हैं इसके बारे में बताएँ। ये भी बेसिकली कुकू कोचिन हैवी है और ये जिससे मैंने मेल लिया है, इसके जो यानी कि पेरेंट फ्लॉक जो इसका अब्बा आप इसे जैसे कह सकते हैं,
उसने वहाँ पर यूरोप में शो विन किया था लास्ट ईयर। अच्छा, तो ये बताइएगा इस बर्ड की क्वालिटी क्या है? वैसे तो इम्पोर्टेड क्वालिटी के बर्ड्स हैं, तो यहाँ पे ये मिल जाते हैं कुछ? नहीं, यहाँ पे इस क्वालिटी के नहीं मिलते, इसी वजह से मजबूरन मुझे सारी चीज़ें इम्पोर्ट करवानी पड़ती हैं, ताकि मेरी तो कोशिश यही है कि अच्छी से अच्छी चीज़ें मंगवाई जाएँ और यहाँ पर लोगों को दी जाए, ताकि जब यहाँ के लोग भी कोई पोस्ट करें फेसबुक पर तो दुनिया देख के खुश होकर जी पाकिस्तान में कोई वैरायटी है अच्छी। ठीक है, ये अच्छी बात की। इसके अलावा ये बताइएगा कि ये जो पेयर है ये कितनी कॉस्ट कर चुका है आपको? ये मुझे 1,20,000 रुपये का पेयर कॉस्ट किया है ये। ठीक है, तो अब चिक्स कितने तक के होंगे इसके? इसका मैं 1 मंथ ओल्ड सेल करता हूँ 6,000 ईच। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने बड़े केज बनाए हुए, ये कितना बड़ा केज चाहिए होता है इनको ब्रीडिंग के लिए? बेसिकली ये पर बर्ड को 4 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। 4 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए पर बर्ड को? जी जनाब, यहाँ पे जो हम पेयर देख रहे हैं बेसिकली ट्रायो देख रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं ये कौन सी ब्रीड है? बेसिकली ये कलर बफलेस कोचिंग के लाता है, ये पूरी दुनिया में सिर्फ अभी 2 लोगों के पास है, हमारे पास है, तुर्की में साहब है उनके पास है। अच्छा, तो अब ये इतना रेयर बर्ड है तो फिर इसके जो डिमांड होगी वो भी रेयर हो गई होगी, तो आपने कितने तक का परचेज किया? ये बस वही वाली बात, या प्राइसलेस ही समझ लें, ये जिस दिन से हमने पोर्सिलिन ब्रामा लिया था उनसे ही हमने ये लिया, तो तकरीबन इक्वल कॉस्ट आई है हमको उसकी, तकरीबन 3 लाख रुपये का हमको पेयर पड़ा। तो ये बताइएगा कि अब जब इसके चिक्स आएंगे वो कितने तक के होंगे? इसके चिक्स मैं सेल कर रहा हूँ 1 मंथ और 15,000 ईच, 15,000 रुपये का एक। अच्छा, तो ये लड़ाई वड़ाई भी करते हैं बर्ड्स? बेसिकली हैं तो मुर्गे, याद हरकतें इनकी वही हैं, आदतें वही हैं। तो कभी लड़ाई मुर्गा लड़ गया हो तो आपने कहा नहीं यार ये पैसे ख़राब हो जाएंगे? नहीं, अब जब 3 लाख रुपए का पेयर है तो उसको लड़वाऊंगा तो नहीं ना। नहीं, कभी कभी बात टाइम एक एच में मार देते ना चोंच, तो मैंने कहा इसलिए। नहीं, वो चोंच मारने से तो ऐसा कोई इतना खतरा नहीं होता उनको, जाली मैंने स्टेप की लगाई भी, थोड़ा 20 मिनट गैप भी दिया हुआ 3-3 इंच का ना, वो चोंच मार भी दें तो वो एक दूसरे को ये ख़राब नहीं कर सकते। जी जनाब, इस ब्रीड के बारे में बताएं, हम जो देख रहे हैं ये ब्रीड क्या कहलाती है और कैसा रिस्पॉन्स रहा है इसका अंदर? ये बेसिकली लेमन कुकू कहलाता है, ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम मैंने ही मंगवाया है, अभी सिर्फ मेरे पास ही है पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह से। तो इसे ब्रीड लिया आपने? जी माशाल्लाह, बिल्कुल। कैसा रिस्पॉन्स रहा अभी तक? रिस्पॉन्स माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। रिस्पॉन्स बेसिकली क्वालिटी ऑफ बर्ड के हवाले से होता है, आपके पास अगर अच्छी क्वालिटी है तो पूरी दुनिया आपसे चीज़ मांगती है, आपके पास क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप चाहे एम्प्रेस मार्केट भी ले जाएँ, आपसे किसी ने कुछ नहीं लेना। एक बात है, तो ये बताएं कि इसके चिक्स कितने तक के सेल होते हैं? इसका 1 मंथ ओल्ड मैं सेल करता हूँ 7,000 ईच का। 7,000 रुपये ईच चिक होता है, और कितने दिन का होता है ये? एक महीने का होता है, 30 डेज़ का होता है। इसके अलावा ये बताएं कि ये पेयर आपको कितने तक की कॉस्ट कर चुका है? ये पेयर मुझे कॉस्ट किया अराउंड 1,20,000 का। 1,20,000 का? जी हाँ। जी जनाब, यहाँ पर जो हम ब्रीड देख रहे हैं इसके बारे में बताएँ। ये सर बेसिकली कहलाता है कुकू पार्टिज कोचिन, ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आया है और अभी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मेरे पास ही है। अच्छा, तो पार्टिज ये चकोर की फैमिली से बिलोंग्स करता है? नहीं, बेसिकली पार्टिज कलर का नाम है। ओके, तो ये बताइएगा कि क्या कॉस्ट है इस पेयर की, आपको क्या पड़ चुकी है? ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि पूरे ये यूरोप में भी सिर्फ एक ही बंदे के पास था तो ये उससे बड़ा तरला मिंदा हमने करके इससे लिए हैं ये बर्ड्स, तो ये हमको पर पेयर कॉस्ट किया तकरीबन 2,40,000 का। ओके, 2,40,000 का पेयर आपको कॉस्ट कर गया, तो अब चिक्स कितने तक के होंगे इसके? मैं इसका 1 मंथ ओल्ड चिक सेल करता हूँ 12,000 रुपये का, 12,000 का। 12,000 रुपये का एक चिक्स जो है इसका सेल होता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपने केजेस स्पेस अच्छी दी हुई है, तो गंद वगैरह होती है मुर्गियाँ रखते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? बेसिकली मैन पावर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, बंदों का बस काम यही है कि उन्होंने बस मेन हमारा फोकस है सफाई पर, कि पिंजरों के अंदर गंदगी ना हो। ये इतना महंगा बर्ड है, बाहर से आया है, वहाँ पर तो पाकिस्तान जैसा माहौल नहीं है ना, वहाँ तो हवादार है, खुला माहौल है, यहाँ पर हमने इनको केजेस में रखा हुआ है, तो माहौल कोशिश करते हैं कि तकरीबन वैसा ही दें, बाकी आगे लगे। वो जुएँ वगैरह हो जाती हैं, कीड़े मकोड़े? नहीं, अल्लाह का शुक्र हमारे किसी बर्ड्स में जुएँ और कीड़े मकोड़ों का कोई ना तो केस है ना कोई शिकायत है, हम होने नहीं देते इनको। अच्छा, इसके अलावा वैक्सीन होती है इनकी? वैक्सीन बेसिकली हर 45 डेज़ के बाद होती है सबको। जी जनाब, इस ब्रीड के बारे में बताएँ। सर ये बेसिकली गोल्डन लेस कोचिन है और ये काफ़ी रेयर और खूबसूरत वैरायटी है, तो हमने यही कोशिश करी है कि वही वैरायटियाँ पाकिस्तान में मंगवाएं जो यहाँ पे नहीं है, तो ये भी उनमें से एक है। अच्छा, तो ये मौजूद है और किसी के पास पाकिस्तान में भी? मेरी नज़र में तो अभी तक किसी के पास नहीं है, बाकी अगर किसी ने घर में छुपा के रखा हो तो वो अलग बात है। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी तक ये जो बर्ड हैं कैसा रिस्पॉन्स रहा, ये ब्रीडिंग के लिए मंगवाया आपने, तो ब्रीडिंग कैसे के लिए? माशाल्लाह इनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, मैंने ये बेसिकली 4-4, 5-5 महीने के पट्टे मंगवाए थे, उसके बाद मैंने उनको अपने पास यहाँ पर तैयार किया है। इसमें ये हुआ है थोड़ी बहुत मोर्टेलिटी मेरे पास हुई है, लेकिन जो मेरे पास जो तैयार हुए हैं ना वो यहाँ के वेदर के हिसाब से इम्यून हो गए,
तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है मेरे पास, ब्रीडिंग के हवाले से भी, बच्चे के सेल के हवाले से भी, फर्टिलिटी के हवाले से भी। तो ये बताएं कि ये खुद पेयर आपको कितनी कॉस्ट कर चुका है और इसका चिक कितने कॉस्ट का होता है? ये मुझे पेयर कॉस्ट किया है अराउंड 1,40,000 का और इसका मैं 1 मंथ ओल्ड चिक सेल करता हूँ 6,000 ईच का। तो व्यूअर्स आपको इनका सेटअप विज़िट करा देते हैं, एक ओवरव्यू दिखाते हैं। इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे रेयर ब्रीड यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा आप लोग देख लें कितना अच्छा इन्होंने एक एनवायरनमेंट यहाँ पे किया हुआ है हैंस के लिए, केज भी अच्छे बनाए, इतनी बड़ी जगह दी है कि एक जो मुर्गी है वो इत्मीनान से रह ले। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर लाइटनिंग अच्छी की हुई है, हवा का सिस्टम बिल्कुल अच्छा किया हुआ है। और इसके अलावा एसी भी यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं इनके लिए ख़ास तौर पे मुर्गियों के लिए, ताकि टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके और इनको बेहतर एनवायरनमेंट दिया जा सके, ताकि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड लिया जा सके। तो आपने देखा यहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए इन्होंने फ़ैन लगाए हुए हैं ताकि हर मुर्गे को प्रॉपर हवा मिले, क्योंकि आप लोगों को पता है मुर्गियों पर होते हैं, रुएँ होते हैं तो उनको गर्मी लगती है। तो इन्होंने एग्जॉस्ट की प्रॉपर रखी हुई है। इसके अलावा एसी यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने 2-3-4 एसी लगाए हुए हैं यहाँ पे इनके लिए। और ये धूप का, लाइट का भी इन्होंने बहुत ख्याल रखा है, ताकि जो बॉडी की लाइट की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी कर सकें मुर्गे की। तो दानियल साहब, मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स के साथ आप शेयर करें आपकी जो हैचरी है, जो ब्रूडर है जहाँ पर आप चिक्स निकालते हैं, और क्या प्रोसीजर होता है, मैं चाहूँगा व्यूवर्स तक वो दिखाएँ। आइए आपको लेकर चलते हैं, आपको अपना मैं इनक्यूबेटर भी दिखाता हूँ और ब्रूडिंग सिस्टम भी दिखाता हूँ पीछे। ये आपके पीछे भी ब्रूडिंग सिस्टम है, 15 दिन के बच्चों की ब्रूडिंग यहाँ करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, हर चूज़े की एज के हिसाब से इसका ब्रूडिंग सिस्टम होता है। चलिए देख लेते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं इनके पास जो हैं की ब्रीड आती है वो बड़े चूज़े यहाँ पे मौजूद हैं। जी दानियल साहब, इनके बारे में बताएं, यहाँ पे कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है? जी, मेरे पास जो आपने वहाँ पर ब्रीडर्स देखे हैं उनमें सबके मेरे पास माशाल्लाह यहाँ पर चूज़े हैं, किसी के एक हैं, किसी के दो हैं। ये तकरीबन 2 से 3 महीने के बच्चे हैं जो मैं कुछ अपना बैकअप तैयार करता हूँ उसके, और फिर कुछ लोगों के ऑर्डर्स होते हैं जिनको 2-3 महीने का चाहिए होते हैं, उनको भी हम इतने ही बड़े करके देते हैं। तो कहने की बात ये ऑलरेडी बुक्ड हैं सब? जी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलरेडी बुक्ड हैं। वैसे इतना बड़ा चूज़ा जो है वो कितनी कॉस्ट करता है? डिफरेंट है कलर के हिसाब से, इसमें कुछ चूज़ा 25,000 रुपये का है, कुछ चूज़ा 10,000 रुपये का। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड। डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड, बिल्कुल जी। यहाँ पर जो हम ये चूज़े देख रहे हैं, चिक्स देख रहे हैं, इसके बारे में बताएँ। ये बेसिकली फ्रेश हैच है मेरे पास, ये आज सुबह ही बच्चे निकले हैं, तो अभी इनका ब्रूडिंग प्रोसेस है। इसमें ये इंशाल्लाह 1 हफ़्ता रहेंगे, 1 हफ़्ते बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो सामने एक और केज है जिसमें बड़े बच्चे रखते हैं, इनको इंशाल्लाह वहाँ मूव कर देंगे। दानियल साहब, डोंट यू थिंक ये जो साइड है आपने इसकी खुली ओपन रखी है, तो इससे हवा लगेगी बच्चों को? नहीं, बेसिकली वेंटिलेशन चाहिए होती है, क्रॉस वेंटिलेशन। क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगी तो चूज़ा आपका हेल्दी रहेगा। आप इसकी एयर बंद कर देंगे तो उसके अंदर गैस बन जाती है और बीमारियाँ आती हैं फिर उसमें चूज़े में। ठीक है, तो यानी कि वेंटिलेशन इनके लिए ज़रूरी है, वेंटिलेशन मस्ट है, ऑल्दो कि आपने साइड पे रखा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल वेंटिलेशन मस्ट है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कोई आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहा, सिर्फ एक बल्ब लगा के छोड़ दिया। बल्ब लगा के मैंने इसलिए छोड़ दिया है ताकि इसमें यह है कि जिस चूज़े को ठंड लगी वो ऑटोमेटिकली बल्ब के नीचे आकर बैठ जाए, और जिसको गर्मी लगती है वो साइडों में चले आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी अभी इसमें ब्रीड मौजूद है? इसमें मेरे पास सबके ही हैं जो आपने अंदर देखी थी, ऑलमोस्ट सबके बच्चे हैं माशाल्लाह से। तो ये अभी तो बिल्कुल निकले हैं, तो 15 दिन के बाद सेलिंग के लिए रेडी हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह। तो क्या कॉस्ट होगी इनकी? डिफरेंट है ब्रीड वाइज, कोई 5,000 रुपये का, कोई 8,000 का, कोई 10,000 रुपये का। ठीक है जी जनाब, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं चिक्स, ये कितने दिन के हैं? ये सर ऑलमोस्ट 1 वीक के हैं। 1 वीक के हैं, तो आप इनकी क्या खिदमत कर रहे हैं, क्या इनका ख्याल रख रहे हैं? इनका ख्याल इस तरह रख रहे हैं कि इनको अच्छी से अच्छी फीड दे रहे हैं, पानी में विटामिन दे रहे हैं, वैक्सीन हमने इनकी ऑलरेडी कर दी है। और टेम्परेचर मैंने पूछा, ये वाटर जो है ना मुझे येलो नज़र आ रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसके मुताबिक भी मालूम कर लेते हैं, तो इसमें विटामिन वगैरह? जी हाँ बिल्कुल, विटामिन है। और वैक्सीनेशन कब तक होगी इन चिक्स की? वैक्सीनेशन की ऑलरेडी हो चुकी है, डे वन पे वैक्सीनेशन कर दी है। जी जी दानियल, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये आपने काफ़ी बड़ा केज दिया हुआ है इनको, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि इतना बड़ा केज देने का क्या मकसद है, और इसमें कौन कौन से चूज़े मौजूद हैं और कितने दिन के हैं? इसमें मेरे पास मोस्टली तकरीबन 15 से 20 दिन के चूज़े हैं, और बड़ी केज देने का मकसद ये होता है कि चूज़े को रनिंग स्पेस मिले। जब चूज़ा भागता दौड़ता है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तो इतनी एक्टिविटी देनी चाहिए ताकि वो बेसिकली डाइजेस्ट करेगा, उसका खाना हज़म होगा तो और खाएगा, जितना खाएगा उतनी उसकी बॉडी को लगेगा, इतनी अच्छी ग्रोथ होगी। तो अभी इनकी क्या फीड चेंज हो गई? अभी फीड इनकी मैंने चेंज कर दी है, शुरू के 10 दिन को चलती है 0 नंबर की फीड, उसके बाद 1 नंबर चलाते हैं हम इनको तकरीबन कोई 2 महीने तक।
तो इसमें प्राइस क्या होगी? ये तो मल्टीपल ब्रीड रखी है, ये मल्टीपल ब्रीड्स हैं, तो बस ब्रीड के हिसाब से प्राइस हैं। कुछ के 5,000 हैं, कुछ के 10,000 हैं, कोई इसमें 20,000 रुपए वाले भी हैं। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड, जैसी ब्रीड है। डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो व्यूवर्स, हम इस प्लेस पर आ गए जहाँ पे इन्होंने इंक्यूब्यूटर रखा हुआ, और काफ़ी जंबो साइज का इंक्यूब्यूटर है। तो कितने एग्स इसमें आ जाते हैं? इसमें तकरीबन माशाल्लाह को 3,000 के करीब अंडे आ जाते हैं, 3,000 इसमें आ जाते हैं, 2,000 बराबर वाली जो है उसमें आते हैं, और जो सबसे बड़ी है उसके बराबर में उसमें तकरीबन 8,000 के करीब अंडे आते हैं। अच्छा, तो तीनों एक साथ भी चल रही होती हैं कभी? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तो ब्रीडिंग सीज़न ऑफ हो गया, तो इसलिए दो मशीनें ऑफ की हुई हैं, सिर्फ एक चल रही है। नहीं तो जब ब्रीडिंग सीज़न होता तो ये तीनों मशीनें चल रही होती हैं माशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि अभी जो ब्रीड आपके पास है रखी हुई हैचिंग के लिए, वो देख लेते हैं। बिल्कुल, मैं आपको अपना इंक्यूबेटर भी दिखा देता हूँ खोल के अंदर से। ये इसका ट्रे सिस्टम है, ठीक है जी। ये ऑटोमेटिक रोटेट होता है, मैं आपको दिखाया था रोटेशन इसकी। वैसे इसमें टाइमर लगे हुए होते हैं, ये हर 2 घंटे बाद डायरेक्शन इसकी टोटल अपोजिट हो जाती है। इसकी रोटेशन होती है 45 डिग्री पे। अभी ये इस तरफ 45 है, अभी ये सेंटर में जाके टोटल उस तरफ 45 डिग्री पे चली जाएगी। देख रहे, जैसे ही वो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो बल्ब भी अंदर के ऑन हो गए। ये फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है मेरे पास। ठीक है, तो ये इंक्यूबेटर भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। जी हाँ, बिल्कुल। तो कितनी कॉस्ट का है ये इंक्यूबेटर? ये इंक्यूबेटर मुझे कॉस्ट किया अराउंड 1,60,000 का। अच्छा, लेकिन ये लोकल मेड है? मेड लोकल है, बॉडी इसकी लोकल, लेकिन पार्ट सारे इसमें इंपोर्टेड हैं। इसमें आप देखें जो कंट्रोलर लगा हुआ है मेरे पास, ये इंपोर्टेड है। इसके अलावा इसमें जो मैंने अंदर हीटर्स लगाए हैं बल्ब के साथ, वो इंपोर्टेड हैं। जो ह्यूमिडिटी बनाने के लिए, नमी बनाने के लिए जो ह्यूमिडिफायर चाहिए होते हैं, वो भी इंपोर्टेड है। ठीक है, तो इसमें आपने कौन कौन से एग्स रखे हैं? डक और हैन के दोनों है? जी हाँ, डक्स और हैन दोनों के इसी में। इसके अलावा भी कोई एग्स इसके अंदर मौजूद है? नहीं, अभी तो फ़िलहाल सिर्फ ये 2 हैं। तो व्यूवर्स, देखा आपने पाकिस्तान में कराची के अंदर भी इस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से एक हैन के ऊपर काम हो रहा है। फॉर्म हाउस इन्होंने तैयार किया हुआ है, तकरीबन प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। काफ़ी रेयर ब्रीड, यूनिक ब्रीड इनके पास मौजूद है दानियल साहब के पास। तो आखिर में मैं ये चाहूँगा कि व्यूवर्स को थोड़ा सा आइडिया दें कि वो किस तरीके से अपने पास भी इस तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर लेके जाते हैं, अगर कोई ख़रीद के लेके जाता है परेशान होता है, तो केयर क्या होगी इसकी? बेसिकली केयर बस यही होती है कि आपने इनको ज़्यादा हवा से बचाना है, ठीक है जी। ज़्यादा फीड नहीं देनी, ऊपर से लाइट एंटीबायोटिक्स जो हैं वो उनमें चलती रहती हैं। और जितनी ओपन स्पेस होगी, जितना चूज़ा भागेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, उतना खुश रहेगा। मेरे तो लोगों का सजेशन यही है, लोग ये समझते हैं कि जी बाहर से कोई भी चीज़ मंगवाओ, रख लो, ब्रीड कराओ, बेच लो, बहुत आसान है। लेकिन हम लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि जी जो आपको जो लोकल जो चीज़ अवेलेबल हो रही है ना, अगर वो बेस्ट क्वालिटी की है तो आप उसी को प्रेफर करें। हमारी तो मजबूरी थी इम्पोर्ट करवाना, क्योंकि हमें इस क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पे मिल नहीं रही थी। तो इसलिए फिर हमने स्टेप उठाया। शुरू में थोड़ा सा नुकसान भी हुआ देखे, लेकिन कोई भी जब बंदा कारोबार स्टार्ट करता है तो शुरू में नुकसान होता है, उसके बाद ही फिर कमाना शुरू करता है। अच्छा, नाजुक ब्रीड तो नहीं है? नाजुक ओवरऑल अगर कहा जाए, देखें रखने पर डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले ही कहा ना, आप इनको तरीके से रखें तो ये कहीं भी नहीं जाता। नहीं तो अगर आप वो एहतियात ना करें, बिल्कुल ही बेतुके तरीके से रखें, तो असील के बच्चे ही मर जाते हैं फिर तो। ठीक है, इसके अलावा आपने जितनी भी यहाँ पे हमने ब्रीड देखी उसके चिक्स के रेट बताए थे, तो हमारा व्यूअर अगर कोई भी कांटेक्ट करता है तो उसमें हमारे व्यूअर्स को कॉपरेट करेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह जब वो आप लोगों के रेफरेंस से आएंगे तो फिर तो कॉपरेट करना बनता है। ठीक है, थैंक यू। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे आप अगर बोलेंगे तो कॉमेंट्स में भी शेयर कर दूँगा। बाकी वैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0345-299-1234, यही नंबर मेरा व्हाट्सअप पर भी है, और मेरा पेज फेसबुक पर बना हुआ है पोल्ट्री हेवन के नाम से। तो बहुत शुक्रिया, आज व्यूवर्स हमने इनका फॉर्म विज़िट किया और आपको एक रेयर म्यूटेशन हैन की दिखाई जो इनके पास मौजूद है कराची में, जिस पे ये काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू सर। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ साथ हम मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, इतनी मेहनत करते हैं आप तमाम व्यूवर्स के लिए, इतनी जगहों पर विज़िट करते हैं। तो आप तमाम व्यूवर्स से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।